विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी में नव वर्ष पर दो दिन के मेले का आयोजन किया गया है। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को नववर्ष पर हजारों की संख्या में माता के भक्त आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। दर्शन पर्ची के माध्यम से होंगे। कोरोना काल के चलते इस बार नववर्ष पर लंगर व ढोल नगाड़ों और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुजारी विनोद कालिया ने कहा कि नववर्ष पर माता रानी सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे और मंदिर में जब भी आए कोरोना नियमों की पालना करे। जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतमस्क चिंतपूर्णी धाम से विनोद कालिया पुजारी सभी भारतीय वर्षियों को नव वर्ष का आशीर्वाद देते हैं और चिंतपूर्णी माँ सब पे कृपा रखे। ये आज से रात से मेला नव वर्ष का शुरू है। सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस से मंदिर में माथा टेके, माता चिंतपूर्णी सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी की चिंता दूर करे, सभी लोग आर्थिक संकट से बाहर निकल के माँ के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। माँ चिंतपूर्णी उन सभी भक्तों का चिंतपूर्णी चिंता दूर करे जो सभी उसके चरणों में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। माँ चिंतपूर्णी प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है। माता चिंतपूर्णी सभी कर्मचारियों का आशीर्वाद दे, सभी भारतीय वंशियों का आशीर्वाद जगारा शेरावाली बोल चाहते हैं दरबार की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट।